आदाब, मैं सोमेश्वर सिंह राणा आर वाई न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए नजरें डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। बोलो बाबू। अभी वे मिला जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की असेंबली में कामयाब नुमाइंदगी के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक रुके हुए थे उसकी जल्द से जल्द ऑडियो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से जल्द इसकी तकसीम अमल में आ रही है, जिसका एक अच्छा नतीजा चंद्रन बुट्टा डिवीज़न में तमाम कॉरपोरेट डिवीज़न में चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। आज यहाँ गाजी मिलत कॉलोनी जंगमे डिवीज़न 45 में MRO बंडलागुड़ा की जानिब से शादी मुबारक स्कीम के 19 चेक तकसीम किए जा रहे हैं और जो बकाया जो भी कल्याण लक्ष्मी के चेक्स है वो 219 चेक्स हैं। इंशाल्लाह एक महीने के अंदर जो है ये चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इसमें समझने की बात ये है, दो अक्टूबर 2014 में जो दाखिल किए गए हैं शादी मुबारक के उनको 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अप्रैल 2017 फर्स्ट अप्रैल के बाद जो दाखिल किए हैं उनको 75,000 दिए जा रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो भी ये दरख्वास्त दाखिल किए गए हैं किसी ब्रोकर के पास या एजेंट के पास जाके जो है जहमत ना करें, क्योंकि वो लोग जो है अपनी आमदनी का ज़रिया बनाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी किस्म की नुमाइंदगी या दुश्वारी हो रही तो हमारे वार्ड मेंबर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी है हमारे जंगल मेट के उनसे आप रुझू होइए। अगर किसी किस्म की MIM पार्टी के या और कोई जो है ब्रोकर की तरफ से आपको तकलीफ हो रही तो इंशाल्लाह हमेशा हम हाजिर आपकी मदद करेंगे, उनको जो है सबसे सख्त कार्रवाई करके जो है कानून के दायरे में उनको पकड़ लिया जाएगा। तो इस ताल्लुक से हमारे तमाम वर्कर्स आपके ताउन करने के लिए जिम्मेदार है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि किसी के रुके में मत आइए, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। आमिना बेगम कौन है? ठीक है। तुझे आमिना बेगम आमिना बेगम। सर सर्टिफाई है। 51 का है। मुझे बता दो। जरा बाजू बाजू का जाओ आप लोग को उनको जान दो। अभी भाई वो से कहीं से उधर आ जा। भाई देखो ऐसे आड़ा जो वो अमित औषध दिया अमित औषध यार देखिए आप लोगों में हाथ लगाओ भाई। हाँ तो 2 अप्रैल 2017 के बाद जिसकी भी शादी है ना बच्चे तरफ में तो पहले जो शादी हमें एक मुझे दीजिए इजाजत, मैं सोमेश्वर सिंह राणा, तब तक के लिए देखते रहिए RY News सबसे आगे सबसे तेज।